आपके साथ अपनी आलू के नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। और आप देख रहे होंगे जो मेरे नान हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, और जो इसकी अंदर की स्टफिंग मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए, मैं आपको स्टफिंग दिखाती हूँ इसकी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल ढाबे जैसा इसका टेस्ट होगा। इसको आप घर पर बनाकर अपने घर में सबको खिला सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, पूजा किचन्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू नान की रेसिपी, वो भी तवे पर। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैंने यहाँ पर, और बीच में मैंने ऐसे होल कर दिया है जिससे कि मैं जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगी वो मैं बीच में डालूंगी। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है 1/4 चम्मच। शुगर ले ली है मैंने 1 स्पून। 1/4 कप मैंने यहाँ पर दही ली है। अब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अब मैंने इसको बीच में अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं पूरे आटे में मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। जो मैंने डो तैयार किया है उसके लिए मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया था, जिससे कि हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी। ये देखिए, 10 मिनट तक मैंने इसे गूंदा है और हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है जिससे कि हाथ में चिपके ना। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मसल मसल कर तैयार कर लिया है। डो मेरा तैयार हो चुका है। अब इसे 2 घंटे के लिए हम रख देते हैं किसी गर्म जगह पर। जब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं, यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने पहले सबसे पहले छील लिया है। ये देखिए, मैंने आलू को छील लिया है। अब इसे किसी कद्दूकस से हम ग्रेट कर लेते हैं। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ मैंने 3/4 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है। अमचूर डाला है 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर, और हरी मिर्च मैंने फाइन चॉप करी है, इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। और अदरक डाला है मैंने, 1 इंच को मैंने अच्छे से कट कर लिया था। धनिया पत्ती डाली है मैंने 1 टेबल स्पून। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। नान बनाने के लिए मेरी फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ मेरा आटा भी रेडी हो चुका है। आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, डो मैंने चेक कर लिया है, 2 घंटे हो चुके हैं। डो मेरा बहुत सॉफ्ट है। इसे मैं थोड़ा सा दोबारा से एक बार गूंद लेती हूँ। अच्छे से मसल मसल कर मैंने इसे 2 मिनट तक गूंद लिया था। देखिए, डो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है, जब तक हम नान बना के उसकी स्टफिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल बना लेती हूँ इसका। अच्छे से इसको मैंने राउंड शेप में इसका बॉल बना लिया है। और इसको मैंने मैदे में लपेट लिया है। इसे मैं थोड़ा सा बेल लेती हूँ।
अब जो मैंने इसमें आलू की स्टफिंग बनाई थी, इसका भी मैं एक बाउल बना लेती हूँ और इसके अंदर फिल कर देती हूँ। मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से पैक कर देती हूँ इसके अंदर, जिससे कि जो मेरी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। इसे गोल गोल मैंने राउंड शेप दे दी है फिर से। आपको जैसे मर्जी नान बनाने हैं वैसे बना सकते हैं। अगर आप ओवल शेप के नान बनाना चाहते हैं तो आप ओवल शेप के बना लीजिए, गोल शेप के बनाना चाहते हैं तो गोल शेप के बना लीजिए। अब इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे। इसे मैंने हल्के हाथों से बेला है, आप भी इसे हल्के हाथों से बेलें, नहीं तो आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकती है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, जो पानी है वो उसको मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। और जो धनिया पत्ती है वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से इसमें प्रेस कर दूंगी, जिससे कि वो उसमें चिपक जाए। और जो ये पानी वाला साइड है ये तवे के नीचे रहेगा। तवा भी मेरा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं इसको डाल देती हूँ। ये मैंने इस पे डाल दिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आ चुके हैं, इसका मतलब ये हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे और अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे चारों तरफ से घुमा घुमा के। ये मैंने इसको अच्छे से फ्लिप करके चारों तरफ से घुमा घुमा के रोस्ट कर लिया है। ये नान बनकर रेडी हो गया है और ये बहुत इजीली आराम से निकल जाएगा। नीचे से भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैंने क्या किया है, बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी बना के रेडी कर लेते हैं। इसकी बॉल बना के इसके अंदर फिल कर देते हैं। इसको फिर अच्छे से बेल लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये दिवाली का टाइम चल रहा है, इस पर आप अपने घर में आए मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। इसमें ऐसे पानी से स्प्रिंकल करके कोरिएंडर लगा दीजिए और इसको अच्छे से इसमें प्रेस कर दीजिए। तवे पे मैंने इसे डाल दिया है, पक चुका है। इसमें देखिए बबल्स आ रखे हैं। अब इसे फ्लिप करके फिर से अच्छे से सेक दीजिए। आप घर पे ही इतने अच्छे नान बना सकते हैं तवे में। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में सबको बना कर खिलाएं। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी से और अच्छे से नान बनकर हमारे घर पर ही रेडी हो गए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो के नीचे लाइक के बटन को जरूर क्लिक करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, प्यार बांटिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।